अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सिंपलीफाई क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है पार्ट नंबर 6। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, जो टर्म्स यूज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइक अभी देखें, दोनों फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन का सिंबल है, तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसकी सेकंड टर्म जो है वो उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से हमारे पास ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो गई टर्म। इसके बाद हम देखते हैं, तो न्यूमरेटर में क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होता है, क्यूब माइनस बी क्यूब का, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगी फैक्टराइजेशन हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर कोई टाइप अप्लाई नहीं होती और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर भी कोई टाइप यूज़ नहीं होती। यूजिंग फार्मूला, फार्मूले में फर्स्ट यहाँ पे देखें, न्यूमरेटर में फार्मूला यूज़ हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि है इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ होंगे, इनको अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर होल स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है साइन माइनस का। फार्मूला यही फॉलो होता है, इसको फॉलो कर लेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और सेकंड टर्म एज इट इज़ उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जो जो वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर में ये टर्म जो है इस टर्म के साथ कैंसिल हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ कैंसिल, कैंसिलेशन इसलिए पॉसिबल है कि बीच में प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, रिमेनिंग टर्म्स ए माइनस बी हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया। अगेन फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यूज़ होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें ए माइनस बी कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं रहा तो वन रह गया और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी आ जाता है। ये फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है हमारा। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऑपरेशन यूज़ हुआ है डिवीजन, सबको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद हमने देखा इसकी सेकंड टर्म में कोई टाइप अप्लाई नहीं होती, उसको वैसे ही रहने दिया। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में ए क्यू माइनस बी क्यू का और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो हमने उसको फॉर्मूला को मैंशन करके फॉर्मूला अप्लाई किया, कैंसिलेशन हुई, प्रोडक्ट में कैंसिलेशन पॉसिबल है। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन की, रिमेनिंग टर्म्स जो आ गई अगेन फार्मूला यूज़ हुआ, फार्मूला यूज़ करके हमने मजीद कैंसिलेशन की। फाइनल आंसर आपके पास जो आया वो है 1/a + b, ये फाइनल आंसर हो गया। इस पूरी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स का आइडिया ये है कि यहाँ पे मोस्टली जो है हमारे पास, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मोस्टली ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, ये सम एंड प्रोडक्ट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने प्रीवियस नॉलेज में ये चीज़ सीखी हुई है कि सम एंड प्रोडक्ट के टाइप को हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन आएंगे, आप उसको अप्लाई करेंगी। लाइक अगर मैं एक और क्वेश्चन अगर आपको इसके लिए आइडिया दूँ, तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइक हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट अगर आप लोग देख लें, तो फोर्थ पार्ट में है ए इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखें आप, तो न्यूमरेटर में कोई सोल्यूशन नहीं है, ए इंटू ए प्लस बी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, नीचे क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई देखें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सॉल्व नहीं होता, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने सेम वही फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे
बता दिया कि भाई फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों फॉर्मूलाज यूज़ हुए, हमने किया है, बीच में प्रोडक्ट का सिंबल था तो हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ा, डिवीजन को चेंज करना है, प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दें, लाइक ये ब्रैकेट सेम है कैंसिल हो गई, ए प्लस बी कैंसिल हो गई, न्यूमरेटर में ए है और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी है और यहाँ पे भी ए माइनस बी, सेम ब्रैकेट्स हमारे पास आ गई, ये कैंसिल नहीं होती, डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल नहीं होंगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, मोस्टली ये टाइप्स अप्लाई हुई हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें तो 7 में भी कह रहे हैं 2x/3x-12 डिवाइडेड बाई x²-2x/x²-6x+8। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन का सिंबल है, सबसे पहले आप डिवीजन को चेंज कर दें, डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगी, x²-2x/x²-6x+8 डिवीजन में को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद, अच्छा ये रेसिप्रोकल में लेना है, 2x/3x-12 मल्टीप्लाई x²-6x+8 डिवाइडेड बाय x²-2x, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके आपने सेकंड टर्म को रेसिप्रोकल में ले लिया। अब चेक करते हैं कहाँ पे कौन सी टाइप अप्लाई होती है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x है, सिंप्लीफाइड है, इसको ऐसे ही रहने दें, इन दोनों में 3 कॉमन आ सकता है, x-4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट यूज़ होता है, x² ऐसे टेबल इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 और प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए, तो 4 2 8 और 4 2 को देखिए 4 × 2 = 8 एंड 4 + 2 becomes 6, तो हम इसको अरेंज कर देते हैं, -4x-2x+8 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x कॉमन आता है तो x-2 रह गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में 2x/3 × x-4 मल्टीप्लाई, इन दो टर्म से x कॉमन ले लें, x-4 ये आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आप ऑलरेडी इस चीज़ को सीख चुकी हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगी तो ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x × x-2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यह 3 × x-4 ये फैक्टराइज हो चुकी है, यहाँ पे x-2 की ब्रैकेट आ जाएगी और x-4 की ब्रैकेट आ जाएगी, वेर बाय x-2। अब देखते हैं कैंसिलेशन के बाद क्या मिलता है आपको, x x कैंसिल हो गया, x-2 कैंसिल हो गया, x-4 के साथ कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में सिर्फ 2 रहा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे मोस्टली a²-b² की टाइप अप्लाई हुई है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट अप्लाई हुआ है, डिवीजन का सिंबल है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आती है वहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं इस आइडिया से, ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 10 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स मैंने कराए हैं, बाकी आप इसी आइडिया को लेकर आप अपने क्वेश्चन को कम्प्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।